भोपाल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 73वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर में परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम मध्य प्रदेश विधानसभा में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण हुआ। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर राष्ट्रीय गान जन गण मन का गायन किया गया, जहाँ विधानसभा के सभी प्रमुख कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है और हमारे जो संविधान निर्माता थे उसके संविधान सभा के जो ड्राफ्टमैन कमेटी के चेयरमैन थे वो भी हमारे यहाँ जन्मे थे, डॉक्टर अम्बेडकर। तो हमारे लिए गर्व का विषय है और संविधान सभा में भी मध्य प्रदेश के कम से कम 18 से 20 सदस्य उसमें थे, जिसमें हमारे प्रथम मुख्यमंत्री से लेके और सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर और जबलपुर के कई सदस्य थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान संविधान निर्माण में रहा है। तो मध्य प्रदेश के लिए विशेष गौरव का विषय है, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है और इसी संविधान के आधार पर जो आज लागू हुआ था 26 जनवरी को, हमारा देश लोकतंत्र में बहुत मजबूत हुआ है। हमारे सभी जितने भी शासन प्रणाली के अंग हैं, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो और न्यायपालिका हो, सभी के अधिकार और दायित्व और कर्तव्य उस संविधान में दिए गए हैं, जिसके आधार पर हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा है और हम सभी ने इतनी प्रगति की है। और संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं, तो हम सब लोग अपने अधिकारों का उपयोग करें और कर्तव्यों का भी ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर अपने देश प्रदेश की प्रगति में योगदान देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।